क्या बेटी माता पिता के लिए बोझ होती है? दोस्तों, वैसे तो आज के ज़माने में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, किंतु कुछ लोग अभी भी पौराणिक घटिया रीति रिवाजों को मानते हैं और लड़कियों को बोझ समझते हैं। लेकिन बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। वो तो पराया धन होने के बावजूद भी अपने माँ बाप की लाठी होती है। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। एक बार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हालचाल पूछा। जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया हैं, और हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो है। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्य होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। ये बात सुनकर उसके पिता के मित्र को बहुत शर्मिंदगी होती है। इसी तरह एक बार स्वामी विवेकानंद भी वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाए चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपको आपकी बेटी का बोझ लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। कहते हैं कि बेटा तो एक परिवार को ही रोशन करता है, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ, लेकिन बेटियाँ दो दो परिवारों को रोशन करती है। आपने देखा होगा, अक्सर लड़के अपने माँ बाप को बुढ़ापे में लावारिसों की तरह छोड़ देते हैं, उनको खाना नहीं देते, मारते पीटते भी हैं, लेकिन बेटियाँ अंतिम समय तक अपने माँ बाप की सेवा करती है, उनको सहारा देती है। तो दोस्तों, आप भी भगवान से एक बेटे के साथ एक बेटी को ज़रूर मांगो और अपनी बेटी की इज्जत करो। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।